जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होम्योपैथिक भेषजिक की जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा वो आपका 20/6/2024 से, और अंतिम तिथि रखी गई है 19/07/2024 रखी गई है। अगर आप अपने आवेदन में कोई संशोधन करना चाहते हैं या शुल्क समायोजन करना चाहते हैं, उसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 26/07/2024 रखी गई है। आइए हम लोग देखते हैं टोटल कितनी वैकेंसी निकली, उसको डिटेल में देखते हैं। और यह जो वैकेंसी वही लोग भर पाएंगे जो पेट 2023 दिए हैं। टोटल जो वैकेंसी निकली है 397 वैकेंसी निकली है, और यह जो है होम्योपैथिक निदेशालय निकली है। और इसमें जो है लेवल 5 की वैकेंसी, काफ़ी अच्छा खासा आपका वेतन होगा। इसमें 161 वैकेंसी जनरल की, 83 आपकी अनुसूचित जाति की, 7 आपके अनुसूचित जनजाति की, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पद है, 39 आपका EWS। टोटल जो है 397 वैकेंसी निकाली गई है। क्षेत्रीय आरक्षण देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए 7 पद है, 8 पद जो बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास वाले के, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 7 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 19 वैकेंसी जो है सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। यह कुल जो है 36 आरक्षण है। और आप लोग जानते हैं इसके जो आर्ता है वह विशेष, जो लोग विशेष रूप से होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है पंजीकृत होना चाहिए, 3 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण जितने प्राप्त किया हो, ये सभी जो है स्पेशल पोस्ट है। इसमें आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में जो है 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने तक का जो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण आप प्राप्त किए हों, और इसके साथ जो होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड में जो है पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये सभी जो है योग्यताएं हुई, आपकी उम्र जो है 18 से 21 से जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। ये जो फॉर्म वही लोग भर पाएंगे जिनकी उम्र 21 साल हो और मैक्सिमम आपकी 40 साल हो। और लिखित परीक्षा के लिए जो आपका पाठ्यक्रम है वो बाद में जारी किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट जो की जाएंगे वो 15 गुना अभ्यर्थी। तो यहाँ पर जितने फॉर्म भरे जाएंगे लगभग लगभग सभी लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल पोस्ट है। इसलिए जो है जितने लोग फॉर्म भरेंगे लगभग लगभग सभी लोगों को बुला लिया जाएगा, क्योंकि पेट वगैरह देने की जो संख्या बहुत सीमित ही होती है स्पेशल पोस्ट वालों के लिए। तो जो लोग भी ये सभी योग्यता धारण कर रहे हैं वो लोग फॉर्म जरूर भर दें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मुख्य परीक्षा के लिए जो है 25 रुपये शुल्क लगता है, तो आप सभी लोग जो लोग भी ये सभी योग्यता धारण कर रहे हैं वो लोग फॉर्म जरूर भर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, UPPSC प्रिलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह क्रैश कोर्स जो आपका दोनों भाषाओं में है। UPPSC 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप हो आपका 2000 रुपये का है। UPPSC 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप आपका वो 5000 रुपये का है। UPPSC 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो हमारा है वो 3500 रुपये का है। UPPSC प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद सेशन का जो ग्रुप है आपका 9000 रुपये का है। UPPSC 2024 फुल स्टडी मटेरियल का ग्रुप है विदाउट डिस्कशन का जो ग्रुप है वह 6500 रुपये का है। यदि आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जिनमें आपको समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग करंट अफेयर चाहिए तो उसका जो ग्रुप है वो आपके 4000 रुपये का है। अगर आप ओनली पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ ही UPSC का रिजल्ट भी आया है, और यह जो रिजल्ट है ये राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद जो वैकेंसी 2018 की है, जिसमें एक रोलर चालक की और नक्शा नवीस मानचित्रक की 15 पद, टोटल जो है 16 पद निकाले गए थे, 16 पदों की वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से रिजल्ट आया है, आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग कटाफ देखते हैं। रोड की जो कटाफ निकाली है वह 27.25 कटाफ आई है जनरल की, और इसी प्रकार से जो है बाकी अन्य कोई पद ही नहीं था क्योंकि एक ही वैकेंसी थी। नक्शा नवीस और मानचित्रक की वैकेंसी में जनरल की 72.75 वैकेंसी जो है कटाफ गई है, साथ में जो अनुसूचित जाति की जो कटाफ की वह 70 मार्क्स गई है, 72.50 गई अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 71.75 गई है EWS कटाफ गई है नक्शा नवीस मानचित्रक की, और महिलाओं की जो कटाफ गई है वो 65 मार्क्स गई है। इस प्रकार जो है UPSC ने जो है कृषि राज्य उत्पादन मंडी परिषद की जो वैकेंसी 2018 निकाली गई थी उसका फाइनल रिजल्ट जो है वह जारी कर दिया है।
और ये जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग वहां से लेकर देख सकते हैं। वीडियो को देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।